हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को, मगर ये कैसे एल्डर्स हैं हमारे? चलिए सीधे रुक करना चाहेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नेता अमर सिंह और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद दोनों ही जुड़ चुके हैं। आप माफी मांग चुके हैं अमर सिंह जी, जाहिर सी बात है। इस मामले को अब मैं आगे आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आपको इस बात का आभास है कि कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में फंस गए हैं जिसमें कुछ दिनों पहले तक आप और बीजेपी कांग्रेस को बड़े मोर्चों पर घेरते नजर आ रहे थे? ये मोर्चा अप्रत्यक्ष तौर पर एक साथ था, कांग्रेस को घेर रहा था, मगर इस रिपोर्ट ने इस कदर पटखनी दी है आपको कि ये बौखलाहट सामने उभर कर आ रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गलत है। हमारा और भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के खिलाफ कोई मोर्चा था ही नहीं, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं लोकशाही में, जब हम चुन के जाते हैं तो हम विरोध की भूमिका निभाते हैं, और अगर विरोध की भूमिका निभाते हैं तो अगर गन्ना किसान की समस्या है, उसके पेट की समस्या है, तो गन्ना किसान का पेट न यूपीए है, न एनडीए है, न आरएसएस है, न बीजेपी है, न समाजवादी है, न कांग्रेसी है। अगर उसका पेट काटने का काम शरद पवार जी करेंगे या मनमोहन सिंह की सरकार करेगी और मिल मालिकों के पक्ष में कोई बिल आएगी, तो मैं समझता हूं इस तरह का काम अगर फिर होगा और फिर मुझे आडवाणी जी से बात करनी होगी तो मुझे कोई शर्म नहीं आएगी।